Yes, thank you. And passive calling. Especially in children. You'll be fine, okay? Don't worry, don't worry. तो अभी की रात को तबीयत खराब हो गई थी काफी ज्यादा, तो बस अभी एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस उसको लेके गई है प्रीति के साथ। तो बस मैं भी जा रहा हूँ हॉस्पिटल अभी, और देखते हैं यार क्या हुआ है उसको। बस उसने वैक्सीन ली थी, वैक्सीन में काफ़ी रैशेज हो गए हैं उसको, और बस यार रात के 2:30 हो रहे हैं इस टाइम। तो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहुँच गया हूँ, मैंने पार्क कर दिया, अब बस मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रहा हूँ। Morning, welcome to another vlog guys. Well, I'm feeling much much better now, still on my antibiotics, however I'm not, someone is sick now, but he'll be fine soon. But I think I, mommy, did I catch it from you? No, you got it from your flu vaccination. Oh, because I didn't have a flu, I was having a toothache. Oh, I got it from you. तो बस हम दोनों जा रहे हैं अब जनरल फिजिशियन के पास, अपने जीपी के पास। सो वी गॉट एन अपॉइंटमेंट 11 o'clock, 10:30 हो रहे हैं, मुझे आधा घंटा लग जाएगा ड्राइव करने में बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। तो बस सन आ रहा है आपके ऊपर। ओह माय गॉड, तो बस हम दोनों निकल रहे हैं अपनी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, नहीं मेरी नहीं, अबीर की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए, बिकॉज अबीर को थोड़ा स्किन रैश भी हो गया है, और हमें वो रैश दिखाना है डॉक्टर को, और चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा है, कफ बहुत ज़्यादा है। तो पता नहीं अब ये कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स हैं। ऑलरेडी यू नो स्कूल में भी बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, या उसने स्कूल से ही जर्म्स कैच करे हैं। सो लेट्स सी व्हाट डॉक्टर सेज। माय मेन कंसर्न इज रैश जो इसकी पूरी बॉडी पर है इस टाइम, छोटे छोटे रेड कलर के ना, यू नो ऐसे स्प्रेड होती जा रही है, स्किन थोड़ी रेड रेड होती जा रही है जगह जगह से। व्हेन वी वर पुटिंग क्रीम यस्टरडे आई रैश, but and it came a bit better, but today it happened again. So basically when I took my flu, it was so worse, and mommy and daddy had to call emergency, and NHS came, and it was really bad, and I had to go in an ambulance and go to the hospital and मैं आपको इस सब के बारे में बताती हूँ। And for a checkup, and it was like and I it was a quick way. We went to the doctors. We had a wee sample. We had to give them to them, and then we had to wait for another doctor. And I was feeling a bit better, a lot better. And we found out the time was 8 hours. And daddy told the doctors we have to go now. I'm feeling much better. And अच्छा आप कम बात करो, मैं सब बता दूँगी, सब कुछ बता दूँगी। And then we went home, and next day, which is today. Yeah. Okay, but इन सब चीजों में बहुत कुछ हुआ है पिछले दो दिन में, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। पहले हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, होपफुली फिंगर्स क्रॉस इसकी अपॉइंटमेंट अच्छी चली जाए। और या yeah, but Abir is a very brave boy, seriously, you're very brave and I'm proud of you. Ab yahan par baitho, theek hai, main aapko juice banati hu, fir hum nikalte hain, theek hai? So hum dono nikal gaye hain, traffic thoda sa zyada hai, so hopefully we'll reach on time. Hello everybody, so we're reaching to the hospital, it's taking a very long time. At mommy, how long till we reach? We will reach in 5 minutes, baby. It's not taking long time, beta. Okay. Hopefully, we don't have to wait because I took an appointment for 11 o'clock. Okay. Fifth, under 23. Are you, Mr. Fifth? Mr. Siri?
हम डॉक्टर से वापस आ गए हैं और डॉक्टर ने इसका पूरा चेकअप करा, सब कुछ चेक करा, इसके वाइटल्स, उसने रैशेस भी देखे. एंड शी सेड कि इस स्टेज पे हम ये नहीं बता सकते कि इसको ये कोविड वैक्सीनेशन से हुआ है क्या, ये यू नो जो अनवेल हो गया है एकदम से अबीर, क्या जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन और द वायरल, क्योंकि वायरल बहुत फैला हुआ है स्कूल में, बहुत बच्चे बीमार हैं और टीचर्स भी इनफैक्ट कुछ बीमार हुए हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट सिक करा है. तो मुझे ऐसा लगता है या तो लास्ट वीक इसने वहाँ से जर्म्स ले लिए, फिर इसकी कोविड वैक्सीनेशन भी हो गई, तो चीज़ें यू नो थोड़ी पाइलअप हो गई और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि अबीर इज़ अनवेल. शी सेड गेस ही इज़ गॉट चेस्टी कफ और थोड़ा चेस्ट में भी म्यूकस लग रहा है, लेकिन कुछ भी बैक्टीरियल नहीं है. ठीक है, तो ये अपने आप से ठीक होगा बिकॉज अ वायरल इन्फेक्शन, तो हम इसको किसी भी तरह के कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं दे सकते हैं. आप इसको पैरासीटामोल देते रहो. अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पैरासीटामोल जहाँ पर आप एक चम्मच दे रहे हो वहाँ पे आप इसे 1.5 स्पून दो. उसने इसका बॉडी वेट भी चेक करा और बॉडी वेट भी बिल्कुल ठीक आया है. तो ठीक है, करते हैं भाई जो हम कर रहे हैं. शी सेड कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग एंड होपफुली ही विल बी बेटर सून. तो बस इसी उम्मीद के साथ लगते हैं काम पे, बनाते हैं इसके लिए खाना. इसको चपाती बना के खिलाती हूँ और फिर मैं अपने काम पे भी लगती हूँ. मैंने अभी तक ब्लॉग एडिट नहीं करा है और मैंने अपना कॉलेज का असाइनमेंट भी करना है. सो वी हैव कम बैक होम एंड अबीर इज रिलैक्सिंग. देखो ये क्या कर रहे हो, ड्रूल कर रहे हो बेटा आप अपनी टी शर्ट पे. सॉरी आई वाज सो टायर्ड. चलो अब तुम रिलैक्स करो ठीक है, और मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ. ठीक है, मैं रोटी बना के ला रही हूँ. यार धूप देखो कितनी अच्छी निकली आज, पूरे कमरे में आ रही है. एंड माई बेबी विल सिट डाउन. ये बेबी ने ना गले में चेन पहनी हुई है अपनी डिस्को वाली. I'm not गाइस ये ना आर्टिफिशियल चेन है, हम इसको सोने होने की चेन नहीं देते. It is real gold. अच्छा रियल गोल्ड है, ओए होए हमें तो पता ही नहीं था. चलो मिला रही हूँ खाना. यार धूप बड़ी अच्छी आ गई आज. हाँ जी बेटा क्या दिखाना है आपने सबको. दिस इज माइन होल लिटल. आपके तो नहीं है ये. अभी आप वहां पर रख दो इसको, 20 पाउंड को वहां पे रख दो. अभी होला लीला वहां पे रख दो. इसको लग रहा है ये 20 पाउंड इसके हैं. बैठ. यस इट इज. देखो बेटा कुछ भी पालो पर गलत फहमी मत पालो, वो 20 पाउंड में थोड़ी देर में उठा लूंगी वहां से. धूप आ गई. आई लव सनशाइन. अब धूप आ गई है ना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा देखना. मतलब मुझे ऐसा लगता है जो सन होता है ना वो हमें बहुत पॉजिटिविटी देता है. सीरियसली जिस दिन सूरज नहीं निकलता ना उस दिन ऐसा लगता है यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है जिंदगी में. बट या सन इज अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी आई थिंक. हाउएवर उसी पॉजिटिविटी के साथ आई होप ये भी जल्दी ठीक हो जाए. चलो आ जाओ बेटा खाना खाते हैं, जल्दी आ जाओ. तो मैं आ गई हूँ अपने स्टडी रूम में. धूप बहुत अच्छी आ रही है. आई थिंक मैं आधी धूप में हूँ आधी छाया में हूँ. सो कोई बात नहीं, धूप आनी चाहिए भाई. सर्दियों में धूप का आना इज लाइक सोने पे सुहागा. मैं नजर आ रही हूँ आप सबको, यहीं पर हूँ क्योंकि मुझे कैमरा नजर नहीं आ रहा. तो मैं ही कह रही थी कि यू नो धूप आ रही है, मजा आ रहा है स्टडी रूम में बैठने का. एडिटिंग में एक अपना ही मजा आएगा. यस लेट्स डू द एडिटिंग. यार बस अभी ठीक हो जाए यार. सीरियसली पता है अभी तक हमने शॉपिंग भी नहीं करी है, हमें इस सैटरडे को वेडिंग पे जाना है. पता नहीं क्या ही होगा. लेट्स सी पहले करते हैं एडिटिंग फिनिश. तो क्या हुआ रात को 12 बजे मैं और सौरभ अपने रूम में बैठ के हम लोग टीवी देख रहे थे. तो मैं बस हमने कहा चलो सोने से पहले जरा सा फटाफट से यू नो कैचअप कर लेते हैं टीवी वाला. तो इस भैया ने हमें आवाज़ दी, सौरभ को आवाज़ दी कि ब्रदर डैडी. सौरभ गया एंड ही वॉज यू नो इचिंग हिमसेल्फ, लाइक इतनी बुरी तरह से इच कर रहा था. हमने फटाफट से लाइट चलाई, देखा इसकी पूरी बॉडी पे रैश हो रखे थे, पूरी बॉडी पे. वैसा रैश इसको कभी नहीं हुआ आज तक. तो ऑब्वियसली हम लोग घबरा गए. हमने डायरेक्ट 999 फ़ोन करा. 999 ने पूछा कि ये कैसा है क्या है. तो मैं इसको ना अपने बेड पे ले आई. तो मैंने कहा बंक बेड पे नहीं लेटाती हूँ, अपने बेड पे ले आती हूँ तो चारों तरफ से थोड़ी हवा भी लगेगी इसको. जितनी देर मैं 999 पे बात कर रही थी
उतनी देर में सौरभ ने इसको, हमारे पास एंटी एलर्जी की एक सिरप है यहाँ पर, बहुत कॉमन है वो सिरप, वो हमने इसको वो पिला दिया। तो ट्रिपल नाइन ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने पूरा उनको डिस्क्राइब करा कि, तो मैंने ट्रिपल नाइन को बताया कि इसको फर्स्ट डोज ऑफ COVID-19 की वैक्सीनेशन लगी है, और उसके बाद ये सब एपिसोड्स होते चले जा रहे हैं हमारे साथ, बुखार नहीं उतर रहा था और फिर ये कुछ खा भी नहीं रहा, और विच इज़ ओके, कुछ पर पानी वानी पी रहा था, लेकिन मैंने कहा और अब ये रैश, यू नो रैश इज़ लाइक समथिंग वी आर विटनेसिंग फर्स्ट टाइम इन आर लाइफ। तो उसने बोला कि ब्रीथ कैसा कर रहा है, तो मैंने सब कुछ बता दिया कि आवाज़ बहुत आ रही थी, वीजिंग साउंड है ये वो। तो उन्होंने बोला कि ओके यू जस्ट स्टे ऑनलाइन, वी आर सेंडिंग एम्बुलेंस। मैंने कहा सीरियसली? बोलते या वी हैव टू सेंड एम्बुलेंस बिकॉज ऑफ द रैश, बिकॉज रैश इज समथिंग वी वॉन्ट टू सी इट। बोला हम पैरामेडिक्स, बोला हम पैरामेडिक्स भेज रहे हैं एंड पैरामेडिक्स विल डिसाइड कि आगे क्या होगा। मैंने कहा ठीक है। इतने देर में एम्बुलेंस आ गई और उन्होंने इसको उठाया, ये सो ये, क्योंकि हमने जब इसे एंटी एलर्जी दी ना, वो थोड़ा ड्राउजी कर देती है आपको, तो ये एंटी एलर्जी लेते ही सो गया। तो जितने में एम्बुलेंस वाले आए, उन्होंने इसको उठाया एंड ही इज़ बीन सो गुड गाइस, आई कांट टेल यू, नॉट बिकॉज कि यू नो माँ बाप अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग द वे ही हैंडल्ड एवरीथिंग, इसके लिए फर्स्ट टाइम था पैरामेडिक्स से ऐसे फेस टू फेस मिलना। हालांकि यू नो स्कूल की तरफ से, और हम भी इसको बहुत बार एम्बुलेंस के अंदर लेके जा चुके हैं, इसको फैमिलियर करा चुके हैं, ताकि कभी ज़िंदगी में यू नो यू कम अक्रॉस दैट सिचुएशन वेयर यू एम्बुलेंस कम एट योर प्लेस एंड एवरीथिंग, तो बच्चों को पता होना चाहिए, उनके लिए कोई शॉक ना हो। तो व्हाट वर यू सेइंग? सो अब आई नो इट डिड पेन अ बिट व्हेन दे पुट लाइक दैट। तो उन्होंने इसका ब्लड प्रेशर चेक करा, तो इसका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था, तो फीवर भी था, फीवर वाज लाइक 39 था इसको उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला, उन्होंने इसका गला चेक करा, बिकॉज ही सेड जब भी मैं कुछ स्वॉलो कर रहा हूँ मुझे दर्द हो रही है, तो इसके जो टॉन्सल्स थे वो इन्फेक्टेड नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रेड हो रखे थे, ग्लैंड्स वर वेरी रेड राइट, इनफ्लेम्ड हो रखे थे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सब कुछ चेक वेक करा, और ऑक्सीजन भी 94-96 थी, जो कि नॉर्मल से थोड़ी सी कम थी। लेकिन उन्होंने जब सब कुछ चेक करा, रैश देखा उन्होंने, रैश ना एक्चुअली बाय द टाइम वो लोग पहुँचे ना, वो रैश ख़त्म, मतलब कि आधे से ज़्यादा रैश ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हमने एंटी एलर्जी दे दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी हैव टू टेक हिम टू हॉस्पिटल, तो इसको हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे A&E में, वही एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी में। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर बस मैं इसके साथ एम्बुलेंस में गई। सो सब यू कैन जस्ट से वन थिंग। हां जी बेटा। आई वेंट इन एम्बुलेंस एंड इट वाज अ बिट एक्साइटिंग बिकॉज़ इट वाज द फर्स्ट एवर टाइम आई हैव वेंट इन एम्बुलेंस। आई वेंट इन एम्बुलेंस व्हेन आई बोर्न। Was that happened? Yeah, once ambulance came to our house when you were just 10 days old. But you didn't go inside the ambulance because they treated you at home only. Okay, but yeah, it was the first time and I was excited. मेरे तो माय तो first time थी, आज जॉन निकली थी। I was cold. But क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको कुछ भी नहीं पहनाओगे, सिर्फ हमने से एक टी-शर्ट पहनाई। उन्होंने कहा इसको कोई और एक से ज़्यादा लेयर नहीं डाली है इसके ऊपर, क्योंकि रैश था यहाँ गर्दन पे काफी सारा। तो वो इसको ऐसे ही ले गए बाहर, तो बाहर बहुत ठंड थी और फिर एम्बुलेंस में भी काफ़ी ठंड थी। तो उन्होंने बोला नहीं, हम इसको ऐसे रखेंगे, इसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जब तक बॉडी टेम्परेचर नीचे नहीं आता तब तक ये कुछ नहीं पहनेगा अपने ऊपर। तो फिर वी रीच टू एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी। बाय द टाइम हम A&E में पहुँचे तो इसकी हालत बहुत हद तक ठीक हो चुकी थी। लाइक ही वॉज लाइक, कोई कह नहीं सकता था कि आप यहाँ क्यों आए हो, यू नो एम्बुलेंस लेकर, इसको देख के ऐसा लग रहा था। तो बस फिर क्योंकि ये बिल्कुल ठीक था, कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं थी, तो उन्होंने हमें वही नॉर्मल लोगों की तरह, अक्सर क्या होता है कि अगर एम्बुलेंस आपको लेकर जाती है A&E, और आप ऑब्वियसली एम्बुलेंस तभी आती है जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, और अगर एम्बुलेंस में आप पहुँचे हो A&E, तो आपको एकदम से वो अंदर ले जाते हैं एंड दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू। बिकॉज इसके केस में थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि इसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ था और उसके ऊपर से हमने इसको एंटी एलर्जी भी दे दी थी, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ चुका था, इसके वाइटल्स नॉर्मल हो गए थे। उन्होंने इसके वाइटल्स चेक करे A&E वालों ने भी, तो उन्होंने कहा आपको भी, आपको ना वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर आएगा वो इसको देखेगा, वो बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर हमने उनसे पूछा कितने घंटे की वेट है, उस टाइम सुबह के बज रहे थे 3, कह रहे 8 घंटे की वेट है।
उन्होंने कहा 8 घंटे की वेट, कह रहे हाँ, कह रहे देखो 8 घंटे की मैक्सिमम है, अब आने को वो 4 घंटे में भी आ सकता है, 5 घंटे में भी आ सकता है, तो मैंने कहा 4 घंटे तो लग ही जाएंगे, कहते हैं हाँ जी, मैंने कहा माया मैम 4 घंटे लगेंगे, मैंने और सौर ने बात करी आपस में, मैंने कहा तब तो हमारी सर्जरी खुल जाएगी ना मॉर्निंग में, सर्जरी सुबह 8:30 बजे खुल जाती है, मतलब कि 4 से 5 घंटों में सर्जरी खुल जाएगी। तो फिर और वहाँ पर ना हालात बहुत ही बुरे हो रखे थे, वहाँ पे इतने सारे लोग थे एनी में, एंड एवरीबडी वॉज कफिंग बैडली, बहुत बीमार बच्चे थे, बहुत सारे पेरेंट्स थे जो खुद भी बीमार हो रखे थे, बच्चे भी बीमार थे। तो हमने नर्स से बात करी, हमने कहा देखो तुम कह रही हो 4 से 5 घंटे तो लग ही जाएंगे और मैक्सिमम वेट 8 घंटे की है, तो हम एक काम करते हैं हम चले जाते हैं अपने घर, हम सुबह अपनी सर्जरी को फ़ोन करेंगे, इसको जीपी ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी इसको पहले जनरल फिजिशियन ने देखना था। शी सेड मेक सेंस, ठीक है, और मुझे इसको देख के लग नहीं रहा कि अभी ऐसा कुछ होगा, अगर इसको दोबारा वो रैश आता है तो आप दोबारा एंटी एलर्जी दे देना। हमने कहा ठीक है, हम इसको घर ले आए, तो हम लोग सोए हुए, सोते सोते हमें सुबह के 7 बज गए थे, सोते सोते सोए तो हम क्या छोड़ो ही उसको, बात को रहने दो आप। तो बस फिर मैंने सुबह उठ के जीपी फ़ोन करा, तो इसकी हालत में बहुत सुधार था, सौरभ को अपने काम पर जाना था, सौरभ अपने काम के लिए निकल गया, तो मैं सुबह जीपी फ़ोन करा, उन्होंने मुझे 11 बजे की अपॉइंटमेंट दी, फिर मैं इसको लेके गई हूँ 11 बजे अब अपॉइंटमेंट पे। तो उसने सब कुछ चेक करा, इसका ऑक्सीजन लेवल, इसके ईयर्स चेक करे, तो मतलब शायद ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो सब कुछ नॉर्मल आया है, इवन हार्ट रेट इज़ नॉर्मल, हार्ट इज़ फंक्शनिंग ऑन अ नॉर्मल रेट, और लंग्स के आसपास भी कुछ नहीं है। शी सेड लुक आई हैव डन एवरीथिंग ऑन हिम, ही हैज़ नथिंग, ही हैज़ नो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो एंटीबायोटिक का तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं तुम्हें एंटीबायोटिक दे दूँ। तो शी सेड कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग, बस इसकी वही जो मैंने आपको बताया, कैल्पोल की डोज बढ़ा दो। हैप्पी डैडी इज हियर नाउ, तेरा इंतजार कर रहा था सुबह से। कल तो अभी सूर्य ने डरा ही दिया था, सीरियसली कल तो अभी सूर्य ने डरा ही दिया था। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Good? Yeah. How good? Really good. I'm feeling a bit blocked in my nose. Blocking your nose. Rash, a bit itchy in my neck. Okay. But a bit itchy in my armpit, but rest of it I'm fine. और आप मॉर्निंग तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है? अभी जाओ ब्रश करो, गॉगल्स करो और कपड़े चेंज करते हैं। Something which was happening. My voice is changing because I've been talking so much. Okay. I wait, can I just tell one thing? Okay, tell. I heard something happening on the dining table when I wake up tomorrow. Yeah, something is going to happen on a dining table. You'll find something on a dining table. हैपन कभी लड़ियां नहीं लगा देनी है सवेरे। आई समझ। You told me it. चलो गुड नाइट करते हैं। I do not want to ruin it for them. Okay. But I didn't know what. You will show everybody tomorrow morning, na? In next vlog, what did you find on the dining table? Okay. ठीक है? When you will wake up? Okay. चलो say good night. Say good night to everyone. Good night. ठीक है? चलो. Good night. Brush करो। हाँ ठीक है।